हाँ अब दिख रहा हूँ। और साइड करूँ? नहीं नहीं सही है। हाँ अब सही है, अभी देखेगा। हेलो गाइस, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात में, रात के 8:30 बजे के करीब टाइम हो रहा है और मेरा सारा काम हो गया था और इसलिए हम थोड़ी देर बाहर घूमने जा रहे थे। और आप सबको थैंक यू भी बोलना था, 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे और ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और साथ की वजह से पॉसिबल हो पाया है, इसलिए आप सबको दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे चिकू बेटा ड्राइंग बना के ले आया है। गाइस देखिए इसने क्या बनाया है, कार्टून जैसा कुछ बनाया है इसने। वैसे ये अच्छा बनाया है, इसने ट्राई किया है बनाने का, कार्टून देखती है तो वैसा ही कुछ इसने सोचा। और अभी हम जा रहे हैं बाहर। गाइस कोई नज़र तो नहीं आ रहा है, बस हम ही तीन हैं और हवा भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड है। पता नहीं लोग इतनी जल्दी कैसे सो जाते हैं यार, हमें तो नींद ही नहीं आती है। और अभी चिक्कू यहाँ पे डाल रही है रोटी, खाने के लिए रख रही है और इसके पापा जी इसको गाइड कर रहे हैं कि कैसे रखनी है। और ये अभी यहाँ से हम गाय की रोटी रख के थोड़ा घूम के आएंगे। कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, सामने एक गाड़ी तो नज़र आ रही है, चिक्कू आगे चल रही है और इसके पापा पीछे पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे। आज इनकी तबीयत थोड़ी सी नासार है, ब्लड डोनेट करके आए हैं ये, तो इनको थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही है। और ये देखिए चिक्कू यहाँ पे जा रही है कूदते हुए। सीधे हो जाओ पहले, चलो उस साइड भागो। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि आप अकेले आओगे तो आपको कोई उठाना ले जाए ना, इसलिए। अभी यहाँ पे बाहर हमारे एक चमगादड़ आ गया है बहुत बड़ा गाइस। और ये इतना बड़ा चमगादड़ तो हमने लाइफ में पहली बार ही देखा है, मतलब छोटे छोटे तो शाम के टाइम कभी उड़ते हुए देखे हुए हैं, बट इतना बड़ा तो लाइफ में पहली बार ही देखा है मैंने तो। और ये यहाँ पे डेली आता है अमरुद खाने के लिए, अमरुद का पेड़ है ये और इस पे लटका हुआ है उल्टा, देख सकते हैं आप, वो खा रहा है अभी उल्टा लटक के अमरुद। अभी इससे डर भी लग रहा है गाइस कि कहीं ये उड़ के हमारे कानों के ना चिपक जाए। गांव में ऐसा कहा जाता है कि ये शाम के टाइम में कानों के चिपक जाते हैं, तो वैसे पता नहीं मुझे ये सच है या झूठ है, बट इसको हमने इतना बड़ा चमगादड़ पहली बार यहाँ पे देखा है। रात में ये तो रहता है कि आवाज़ें आती हैं, कोई गिलहरी होगी या फिर कोई चिड़िया वगैरह होंगी, तो ऐसे सुबह में अमरूद कटे हुए भी मिलते हैं, पर इसका अंदाज़ा नहीं था मुझे कि ये इतना बड़ा चमगादड़ होगा। अभी कैमरे में ये थोड़ा छोटा लग रहा है, वैसे एक ये छोटी बिल्ली जितना है इसका साइज़, और ये बहुत ही अजीब लग रहा है। मैं भी शायद पहली बार मैंने इस साइज़ का चमगादड़ देखा है। और वैसे इनसे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है और नेगेटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि शायद ये बहुत ही सुनसान और खंडरों जैसी जगहों में पाए जाते हैं चमगादड़, इसलिए इनसे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। और दूसरा, कोविड करके जब कोरोना काल आया था तो ऐसा कहा जाता था कि चमगादड़ से ही ये कोरोना वायरस फैलता है, तो इस करके भी इनसे नेगेटिव वाइब्स आती है। और दूसरा, ये जहाँ रहते हैं अजीब अजीब जगहों में तो ऐसा बोलते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी होती है वहीं पर पाए जाते हैं, तो इसलिए भी इनसे थोड़ा डर लगता है। वैसे तो ये जीव हैं बेचारे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे, इनको भी बेचारों को रहने का हक है। और आपकी इनके बारे में क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।